क्लास ट्वेल्थ आज आपका सीबीएसई का 29 मार्च 2023 को पेपर हुआ है हिस्ट्री का, और ये हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। और पूरा क्वेश्चन पेपर का ये जो वीडियो एनालिसिस है आप ज़रूर देख लीजिएगा, पूरे एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा बच्चों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप सबसे पहले स्क्रीन पर बच्चों देख सकते हैं लिखा हुआ है सीरीज E1GFH/3 सेट नंबर 1 बच्चों ये है, और 61/3/1 यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड है, हिस्ट्री का पेपर है सीबीएसई बोर्ड का 2023 का, और आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पेपर है। तो आप शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 से मैं आपके सामने शुरू करता हूँ, और क्वेश्चन 1 आपके सामने ये इस तरह से आया हुआ था इस बार। खंड क से देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था आपके पास कि निम्नलिखित विकल्पों में से सुश्रुत संहिता के विषय की पहचान कीजिए। तो बच्चों सुश्रुत संहिता के विषय की पहचान करने में ऑप्शन तो 4 दिए गए हैं, नक्षत्र प्रकार, गणित प्रकार, औषधि प्रकार और व्याकरण प्रकार। तो औषधि प्रकार जिसने टिक किया होगा मेडिसिन साइंस पर वो आपका सही उत्तर होगा। तो सुश्रुत संहिता जो बुक लिखी गई है औषधि पर लिखी गई है, और चरक संहिता पर भी औषधि पर लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है मुझे, बट ये आपको करेक्ट करना था, ये जीके का आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाता था। अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सिंधु घाटी सभ्यता कथन पढ़िए। पहला कथन था कि आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियों के निर्वाह के तरीके समान थे। दूसरा ऑप्शन था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से एक में बाजरा पाया गया। तीसरा ऑप्शन था पुरातत्वविदों को कालीबंगा में जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं। और चौथा पुरातात्विक पौराणिक विज्ञानियों ने जले हुए अनाज के दानों से आहार की आदतों का निर्माण किया है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना था। तो बच्चों सही बात बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन जो गलत है वो ऑप्शन गलत है चौथा। तो सही ऑप्शन क्या बन जाता है आपके सामने, पहला, दूसरा और तीसरा। क्यों? क्योंकि पुरातात्विक प्राणी विज्ञानियों ने जले हुए अनाजों से आहार की आदतों का निर्माण किया, यानी आर्कियोजूलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी नहीं करते हैं जले हुए अनाज के दानों का, बल्कि आर्कियोबॉटनिस्ट जले हुए अनाज के दानों का स्टडी करते हैं। तो ये ऑप्शन पूरा गलत है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन सही होने वाला सी वाला ऑप्शन सही होने वाला जो आपने किया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन राजवंश है, ओल्डेस्ट जो आपका किंगडम या डायनेस्टी जो है जो इंडिया की है। तो इसमें लिखा है मौर्य, गुप्त, कुषाण और कर्ण। तो जो यहां पर है मौर्य जो है सबसे प्राचीन राजवंश है, इन चारों विकल्पों में से ए तीसरे का है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द बुद्धिस्ट क्रिएट लिटरेचर। ओके, तो यहाँ पर जो मैं बताऊंगा आपको, तो इसमें जो है डी उत्तराध्ययन सूत्र और तत्वार्थ सूत्र जो है ये बौद्ध साहित्य का भाग नहीं। विनय पिटक और सूत्र पिटक जो ए है वो तो बौद्ध साहित्य का भाग है, दीपवंश महावंश भी भाग है, जातक कथाएं और अशोका वदान भी बौद्ध साहित्य का भाग है, लेकिन डी जो है उत्तराध्ययन सूत्र और तत्वार्थ सूत्र जो है बौद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। तो चौथे का डी ऑप्शन सही था। इसके अलावा बात करते हैं पांचवें प्रश्न की कि मार्को पोलो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था। तो मार्को पोलो का संबंध स्पेन से था, सी पांचवें का सी। छठवें का प्रश्न देखते हैं, भक्ति संत कराईकाल अम्मैयार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो बच्चों भक्ति संत कराईकाल अम्मैयार दरअसल एक महिला नयनार संत थी, वह शिव भक्त भी थी और वह तमिलनाडु की रहने वाली थी। तो इस प्रकार से छठवें नंबर का जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है आपके पास ये डी वाला ऑप्शन मतलब डी, जिसमें कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, यानी वह महिला नयनार थी और शिवभक्ति थी, ये दोनों बिंदु सही हैं। लेकिन कर्नाटक की नहीं थी, वह तमिलनाडु की थी और नेल्लीरा दिव्य प्रबंधन उन्होंने नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो सिक्स का डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में चार्ल्स कार्निवालिस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की गई थी। तो भारत में चार्ल्स कार्निवालिस ने बच्चों जो बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी वह सातवें का ए, यानी जमींदारी व्यवस्था लागू की थी, जिसको हमने परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना है, इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से जाना है और जिसको हम लोग जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा होगा, क्लास में आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको सिर्फ इस्तमरारी वर्ड मिलेगा, लेकिन टीचर्स ने अगर आपको पढ़ाया होगा तो जमींदारी भी पढ़ाया होगा, इस्तमरारी भी पढ़ाया होगा और स्थायी बंदोबस्त भी पढ़ाया होगा, यानी परमानेंट सेटलमेंट। तो सेवन का ए। आठवां प्रश्न देखते हैं, मुगल भू राजस्व संग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये जरा बच्चों टफ क्वेश्चन था आपके लिए और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द सिलेबस लग सकता है। तो एट्थ का ऑप्शन बताता हूँ, आठवें का जो ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही होने वाला है वो पहला और दूसरा सही ऑप्शन है, यानी कि एट्थ क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा। कर्णकुत और बटाई दोनों सही है, खेत बटाई और लांग बटाई दोनों गलत हैं। ठीक है, आठवें का
जो है ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। इसके अलावा 9th क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो 9th क्वेश्चन किस तरह से होने वाला है कि विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें सबसे सही विकल्प जो है बच्चों सी, 9 का सी विकल्प बिल्कुल सही है। दरअसल कमलापुरम जलाशय का पानी एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक ले जाया जाता था, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल देख लीजिएगा, बाकी आपको गलत ऑप्शन तो पढ़ने ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए मंदिर की पहचान कीजिए। तो मंदिर का गोपुरम आपने देख लिया है, और बच्चों ने अधिकतर ने इसका आंसर बिल्कुल सही लिखा है, बृहदेश्वर मंदिर का या गोपुरम है, ठीक है। मंदिर का जो चित्र है बृहदेश्वर मंदिर आपकी बुक में विजयनगर साम्राज्य जो चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी वहां पर दिया है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का जो है डी बिल्कुल सही है। अगला जो हम देख लेते हैं क्वेश्चन मतलब जो एक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये विजुअली इंपायर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन है, कि अगर आपको 10 क्वेश्चन आपके लिए नहीं था ऑप्शन में दिया है आपके लिए, निम्नलिखित प्रश्न केवल विजुअली इंपायर्ड यानी कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रश्न संख्या 10 के आधार पर था। जैसे कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे, तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलुव डायनेस्टी यानी कि जो क्वेश्चन बी है वो बिल्कुल सही है, इस वंश से तुलुव वंश से संबंधित है कृष्णदेवराय। अब 11 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से 1857 के विद्रोह के नेता की पहचान कीजिए। तो वह विद्रोह का नेता 1857 में जो दिल्ली का शासक था आखिरी मुगल शासक था वह था बहादुर शाह जफर। बहुत इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। 12th क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं, नीचे दो कथन दिए हैं। तो इसका जो कथन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण मोड़ चिन्हित किया, नरसंहार ने अंग्रेजों के साथ संबंधों को खराब किया, और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति अंग्रेजों की गांधी जी की प्रतिबद्धता की शुरुआत हुई। तो इसका 12वें का बिल्कुल ए बिल्कुल सही बच्चों की कथन जो है ए यानी आर्गुमेंट जो सही है, और रीजन भी उसका सही है, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो 12th का ए क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के शासकों का सही कालक्रम कौन सा है। तो प्राचीन भारत के शासकों का अगर हम सही कालक्रम बच्चों लगाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको महापद्मनंद यानी नंद वंश के जो शासक थे महापद्मनंद को लगाना पड़ेगा, उसके बाद अजातशत्रु, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा जहां पर होगा यानी कि सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन सही है, जिसमें महापद्मनंद सबसे पहले और उसके बाद अजातशत्रु आते हैं। इसी के बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कार्यपालिका को और डॉट डॉट कर रखा है में प्रांतीय विधायिका के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया गया। तो यहाँ पर जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है इसको जरा एक बार आप देख लीजिएगा, कार्यपालिका को प्रांतीय विधायिका के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बना लिया गया था। तो 21 एक्ट में, सॉरी मैंने गलत आपको बता दिया आंसर, 15वें का सी आंसर बिल्कुल सही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बच्चों सॉरी गलत है, क्वेश्चन 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुए जिसमें कार्यपालिका को प्रांतीय विधायिका के लिए पूरी तरह से जो है जिम्मेदार बना दिया गया था, उत्तरदायी बना दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन मुझे भी भ्रम है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा दोबारा। मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बच्चों जा रहा हूँ, और वे क्वेश्चन जो है इस तरह से है, 16वां प्रश्न है ये वाला कि निम्नलिखित चीनी बौद्ध भिक्षुओं में से कौन 5वीं शताब्दी में भारत आया। तो 5वीं शताब्दी में भारत आने वाला था फाइयान यानी 16 का बी। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, तो 1857 के विद्रोह में नेतृत्व जो लखनऊ से किया था वो किया था बेगम हजरत महल, अगर यहाँ पर नाम है, नहीं तो ब्रिजिस कादर बी ऑप्शन 17वें का। 18वां प्रश्न देख लेते हैं कि 18वां प्रश्न है कि बर्नियर के विवरण ने 15वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया, मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के वितरण का प्रयोग प्राचीन निरंकुशता के विचार के लिए किया, बर्नियर के विचार को कार्ल मार्क्स ने एशियाई उत्पादन शैली की अवधारणा को विकसित करने के लिए किया, या फिर बर्नियर के अनुसार मुगल शाही दरबार ग्रामीण समुदायों की अध्यक्षता करता था। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो मैं जो समझ रहा हूँ वो है कि बिल्कुल पहला, दूसरा और तीसरा। तो 18वें का ए बिल्कुल सही है, और ये आप देख लीजिएगा, मुगल शाही दरबार ग्रामीण समुदायों की अध्यक्षता करता था, ऐसा कुछ नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। बर्नियर के विवरण ने 15वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया था, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा इस प्रश्न को एक बार। 19 क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं फिर से, ये 19 क्वेश्चन यहाँ पर 19 में दिया गया है कि कथन आधारित है, हड़प्पा सभ्यता ने विनिमय बाटों की सूक्ष्म प्रणाली विकसित की, जो कि बिल्कुल सही बात है, धातु से बने तराजू पलड़े पाएगा ये भी सही है। तो कुल मिलाकर 19वीं का ए
या 19 का ए ऑप्शन सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल इसका सही है। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि आयने अकबरी के मुख्य उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो बच्चों आयने अकबरी के मुख्य उद्देश्य में आयने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा, बिल्कुल सही है। आयने अकबरी अकबर के साम्राज्य की झलक प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही है। आयने अकबरी मुगल सैन्य शक्ति को उजागर करती है, बिल्कुल सही है। आयने अकबरी मुगलों की एकता प्रणाली का उल्लेख करती है, ऐसी एकता प्रणाली तो दिल्ली सल्तनत में थी, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब 20वें प्रश्न का जो ऑप्शन सही होने वाला है बी, जिसमें कि आयने अकबरी अबुल फजल ने लिखी मुगल साम्राज्य की झलक है और मुगल सैन्य शक्ति को उजागर करती है, तीन ऑप्शन सही है। तो 20 का बी। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, रिकार्डो का सिद्धांत जो है, डेविड रिकार्डो का सिद्धांत किस पहलू से संबंधित था। तो बच्चों डेविड रिकार्डो का सिद्धांत आर्थिक पहलू से संबंधित था, यानी 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों एक क्वेश्चन मैंने जो डाउटफुल आपको बताया है वो क्वेश्चन आप दोबारा से देख लीजिएगा, जिस क्वेश्चन में मैंने आपको जो मार्ले मिंटो वाला था उसको एक बार कंफर्म बिल्कुल करिएगा। मैं श्योर अभी नहीं हूँ, फिर भी मार्ले मिंटो वहाँ पर सही आंसर है। समय के अभाव के कारण मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, और नहीं तो मैं सर्च करके भी आपको ये वीडियो अच्छे से डिटेल सर्च करके बनाता, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप वेट करिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत जल्दी मैं इसमें वीडियो डालने वाला हूँ। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर रिप्लाई करिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद।